जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास का कोई क्वेश्चन है तो जरा बता देना, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता देना। आओ, स्पेस वॉक क्या है? अब दूसरा मुद्दा था स्पेस वॉक। स्पेस वॉक क्या है? आज के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बिल्कुल असर नहीं हो रहा है। देखो अभी ये लोग क्या कह रहे हैं पता है? बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो भी कारण है वो खाली पृथ्वी के अंदरूनी भाग में है, उसके बाहर के भाग में नहीं। इसलिए अंतरिक्ष में आराम से चला जा सकता है, ये उनका कहना है। अब अंतरिक्ष में आराम से चला जा सकता है हवा में, ये कथन भूलों से युक्त है। जैन शास्त्र बताता है कि आकाश में पहले तनवायु, फिर घनवायु, फिर घनोदधि और एक प्रकार का ऐसा बर्फ है, उस पर बगैर किसी आधार के खड़ा रहा जा सकता है। इस घनोदधि पर ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करते हैं। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति अनुपस्थिति की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, घनोदधि घनवात तनवात है, परमात्मा ने कह दिया, उसको हमने मान लिया। लेकिन एक और बड़ी बात है, यहां उस पे ध्यान दीजिएगा। जहां पे हवा ही नहीं है वहां आप आराम से चल सकते हो? चल सकते हो कि नहीं? आप पानी में चल सकते हो कि नहीं? पानी में आप चल सकते हो? आप पानी में स्विमिंग करते करते आदमी चल सकता है ना? फ्लोट क्या है? चलना ही है, तैरना ही है, चलना ही है। आप हाथ पैर नहीं हिलाओगे, ऐसे ही पड़े रहोगे तो भी आप चल रहे हो ना पानी में? आपको पैर चलाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे पानी का H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें भी ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन ओ का कोई नंबर नहीं है वहां पे। और वो ऑक्सीजन में आप सांस ले सकते हो, ये मैंने पहले भी बताया था। ये हमारा ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन नहीं है, हमारा ऑक्सीजन हमें जिंदा रखेगा। लेकिन आप पानी में अंदर चले गए, माथा डाल दिया, तो आपको हवा मिलेगी वहां पे? ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हमने पहले डिस्कस किया था, याद है? मछली का ऑक्सीजन अलग है और हमारा ऑक्सीजन अलग है। पानी में ऑक्सीजन है लेकिन मनुष्य के लायक नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये बिल्कुल ऐसे ही हवा में जो ऑक्सीजन है, हवा में जो ऑक्सीजन है वहां पे कोई भी भारी, जैसे यहां पे भारी चीज होगी तो हम जमीन पर, हमारे पैर आ जाएंगे। पानी में आप रहोगे तो आपका पैर जमीन में नहीं जाएगा, लेकिन वहां का ऑक्सीजन मछली के लिए है। वो भी क्या, नीचे जमीन पे चली जाती है? बड़ी सी बड़ी मछली भी पानी में तैर सकती है। तैर सकती है कि नहीं तैर सकती है? तैर सकती है। तो वहां पानी का जो ऑक्सीजन है वो भी किसी भी चीज को वहां पे नीचे डुबाएगा नहीं, बराबर? मछली को भी पानी में डुबाएगा नहीं। अगर कोई डेड बॉडी हो तो ऊपर आ जाती है ना पानी में? कोई लकड़ा डालो ऊपर ही आ जाएगा, सिवाय पत्थर डालो तो ही। और पत्थर भी ऐसे थे, ऐसे ही तो राम नाम का ब्रिज नहीं बना था दरिया में? वो पत्थर ऊपर ही तैर रहे थे ना? हाँ, तो यहां पे ये बात को समझना है कि जैसे पानी का ऑक्सीजन सबको ऊपर लाता है, ऐसे हवा का ऑक्सीजन भी आपको ऊपर ऐसे वॉक कराएगा, चलाएगा। आप आकाश में ऐसे ही चलोगे हवा में, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। उसको आपका शरीर को कोई जमीन या कोई आधार देने की कोई जरूरत नहीं। और अगर इंसान अगर ऐसे चल सकता है, रोबोट ऐसे चल सकता है, तो क्या आपके प्लेन नहीं चल सकते? आपके सैटेलाइट नहीं चलेंगे? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। आज जो भी सैटेलाइट ऊपर भेजे हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं ना? जो भी उसको क्या बोलेंगे हम, रॉकेट छोड़ते हैं, वो ऐसे ही ऊपर जाने, नीचे ईंधन है, बाद में तो कोई ईंधन है नहीं उसके अंदर। तो कुछ स्पेस के कुछ एरिया में जाके तो वो अपने आप ही गोल गोल घूम रहे हैं, उसको वहां ईंधन की भी जरूरत नहीं। हवा में वो आराम से रहेंगे, वो नीचे भी नहीं पड़ेंगे, गिरेंगे उतरेंगे, बराबर। तो अब यहाँ ये प्रश्न है कि वहां की हवा अलग हो गई कि नहीं हो गई? हमारे जैसी हवा होती तो वो जमीन पे आ जाते ना? वहां हमारे जैसी नहीं, इसलिए वो हवा में तैर रहे हैं।
जिसको स्पेस वॉक कहेंगे, तो अगर पृथ्वी उधर है तो पृथ्वी का वातावरण अलग हो, उसका वातावरण अलग हो, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, दोनों का वातावरण अलग, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी जमीन पे ही आ गई ना, ऑक्सीजन धीरे धीरे एक एक लेयर बदलेगा उसका, जैसे जैसे हवा में जाओगे बीच बीच के घनवात तनवात घनोदी भगवान ने बोला ही है ये सब। तो वो वातावरण अपने अपने एरिया और उसकी हवा को बदलते जाएंगे बस। तो पृथ्वी फिर हवा में रही ये बता दो, चलो भी नहीं रही, उसको जरूरत ही नहीं है। और सारे ग्रह हैं ऊपर है, जो जो ऊपर ग्रह है वो वातावरण के ऊपर, वो सारे हवा में गोल गोल घूम ही रहे, तैर रहे हैं वो। सबका अपना चलने का एरिया अलग है, तो कभी दो टकराए भी नहीं, कोई ग्रह खत्म भी नहीं हुआ, बराबर बराबर। और अभी आपने, अगर आज मैंने एक और न्यूज रखी थी न्यूज़पेपर में हेडिंग, अगर आपने आज वो सुनी तो, देखी हो तो, कि जो अमेरिका ने जो इससे पहले एक रॉकेट छोड़ा था, उस वो रॉकेट अभी कुछ एरिया, मतलब अपनी अपनी जो लाइन एंड लेंथ है ना, वहां से वो मिसप्लेस हो गया है, उसने वो एरिया छोड़ दिया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और ऐसा हो सकता है कि वो अभी जो हमारे यहां से चंद्रयान छोड़ा है उसकी ऑर्बिट में आ जाए और दोनों टकरा जाए। समझ में आया अभी मैं क्या बोली? वो उन्होंने जो रॉकेट छोड़ा था पहले, वो ये ऑर्बिट में था, और उसके बाद जो चंद्रयान छोड़ा गया वो इसके नीचे के ऑर्बिट में थी। अब दोनों ऐसे, ये ऐसे ही गोल घूम रहा है और ऊपर वाला भी ऐसे ही गोल, दोनों ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी अपने एरिया में? अब ऊपर वाले ने अपनी लाइन एंड लेंथ खो दी तो वो सरक के नीचे आ जाएगा। अब वो नीचे आ जाएगा तो जब ये घूम रहा है तो उस, ये नीचे उतर गया, फिर दोनों टकरा सकते हैं ना। हाँ, अब ये संभावना उधर हो गई, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ग्रह भी अपने जो परमात्मा ने कहा कि ये मंडल पे इतना योजन छोड़ के बुध घूम रहा है, इतना योजन छोड़ के चंद्र घूम रहा है, उसके ऊपर चार योजन छोड़ के राहु है, तो ये सारे जो घूम रहे हैं ना करोड़ों करोड़ों सालों से, ये ग्रह अपनी नैसर्गिक गति से घूमेंगे तो वो कभी भी अपनी ऑर्बिट को छोड़ेंगे नहीं, बराबर बराबर। और यहां से हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो कंट्रोल हमारा नीचे से है, तो कभी कभी हमारे गलती या कंप्यूटर या कुछ भी उसके पावर की गलती से भी ऑर्बिट छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी? छूटेगी, छूट जाएगी। तो वो छूट सकती है लेकिन ग्रहों की ऑर्बिट कभी भी नहीं छूट सकती। ये सारी चीजों से क्लियर हो रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो रहा है। आपको क्लियर हुआ? आपको क्लियर हो गया? आज वो न्यूज़पेपर ने एक ही बात बताई कि वो ग्रह यहां से छूट के इनकी ऑर्बिट में आ सकता है और वहां टकरा सकता है। लेकिन ये एक मुद्दे से हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो जो अलग अलग ऑर्बिट आज ये सैटेलाइट ने भेजी है, तो अलग अलग ऑर्बिट हमारे भगवान ने बताई है, तो वो क्यों नहीं हो सकती? समझ में आ रहा है? आज अगर आप एक रॉकेट को छोड़ रहे हो, वो ये ऑर्बिट में छोड़ रहे हो, भारत छोड़ रहा है वो इसके नीचे के ऑर्बिट में छोड़ रहा है, चाइना छोड़ रहा है और उसके नीचे के ऑर्बिट में छोड़ रहा है, दूसरा छोड़ रहा है और उसके नीचे के ऑर्बिट में छोड़ रहा है, तो परमात्मा ने यही बोला है कि सबसे पहले चंद्र, उसके बाद चार योजन छोड़ के सूर्य, उसके ऊपर बुध, उसके ऊपर गुरु, उसके ऊपर शनि, एक के बाद एक ऊपर है पूरे जो भी ग्रह है, ग्रह मंडल है वो, तो ये हमको क्यों नहीं मानने है बताओ? आज का साइंस भेज रहा है सारे सैटेलाइट को, उसको तो हम मान ही रहे, वो आकाश में घूम ही रहे, तो हमने भेजी वो सही, लेकिन जो है उसको गलत, वो हम कैसे बोल सकते? उसको भी हमें सच मानना पड़ेगा कि अगर आज के जो रॉकेट है वो ऐसे एक के बाद एक ऑर्बिट में छूट सकते हैं, तो भगवान ने पहले से बोल दिया कि हमारे तो 88 ग्रह है, एक दो नहीं 88 ग्रह, तो वो सारे अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
है ना। तो अब जो जिस प्रकार से ऑर्बिट बताई गई है, परमात्मा ने बताई, चार योजन, कोई दस योजन छोड़ के, कोई बारह योजन छोड़ के, तो दैट इज 100% राइट, बराबर। सूर्य से चंद्र की ऑर्बिट 88 योजन छोड़ के, तो दैट इज 100% राइट। ओके, आओ, बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है। देखो, ठीक है, तो खड़ा रहना, खड़ा रहना कोई अलग बात नहीं है, आप वहां कोई भी खड़ा रह सकता है, क्योंकि ग्रह खड़े हैं, सारे के सारे ग्रह हवा में ऐसे ही खड़े हैं बिल्कुल आधार के बगैर, वो भी इतने बड़े बड़े टन के वजन वाले, तो क्या अंतरिक्ष यात्री खड़ा नहीं रह सकता? हाँ, कौन सी बड़ी बात है उसमें, ये तो बिल्कुल छोटी बात। चलो आगे जाएंगे। अंतरिक्ष में शीत बहुत है, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि वहां ठंडक बहुत है। अब उन्होंने कहा कि शीत है, शीत मतलब बर्फ, शीत मतलब 0 डिग्री, माइनस डिग्री टेम्परेचर। आपको मैं बता दूं, शनि ग्रह जो सबसे ऊंचाई में है हमारे ऑर्बिट में, सबसे ऊपर वाला ग्रह शनि, और आज का साइंस भी उसको ही कह रहा है वो सबसे ग्रहों में वो सबसे लास्ट है और सबसे ऊंचाई पे है, तो जो 7 ग्रह उसमें से, और हमारे परमात्मा ने भी जो उसकी हाइट बताई है वो सबसे ऊपर बताई है। हमारे परमात्मा ने तो कह ही दिया कि ऊपर घनोदधि घनवात है, तो घनोदधि का मतलब ही गाढ़ा बर्फ। और आप मानोगे नहीं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि शनि के ऊपर -250 डिग्री सेल्सियस कितना बर्फ है। अब आपको पता है -0, -15, -22 डिग्री तक तो आपका फ्रीज काम करता है। बर्फ तब बनेगा जब -10 डिग्री होगा, नॉर्मल बर्फ। बर्फ तो 0 डिग्री, 1 डिग्री आ जाएगा तो भी बर्फ आएगा, पानी धीरे धीरे बर्फ होगा, लेकिन घनोदधि, घनो का मतलब जाम बर्फ, घनोदधि का मतलब घन उदधि, पानी बिल्कुल घन स्वरूप में, वो तो 10 डिग्री में तो हो ही जाएगा घन बर्फ। ये जल्दी 10 डिग्री अगर -10 चालू रही तो बर्फ पिघलेगा नहीं। आप ये समझ सकते हो कि -250 में कैसा बर्फ होगा, समझ में आया? तो ये तो परमात्मा ने बताया ही है कि आकाश में घनोदधि, घनवात, तनवात, घनवात मतलब जो वायु घूम ही नहीं रहा है वो भी है, फिर तनवात मतलब बिल्कुल पतला वायु, घनोदधि का मतलब बिल्कुल गाढ़ा वायु, ठीक है? तो ये तो कोई सरप्राइज ही नहीं है। कई प्रकार के जैन शास्त्र ने जो कहे हैं बाह्य अंतरिक्ष में घन वायु, घनोदधि, तनवात है, उसके कई प्रकार के प्रमाण आज के वैज्ञानिक ने भी दे दिए। 1804 में गेलूसाक और बियोट नाम के फ्रेंच वैज्ञानिक बलून में बैठ के लगभग 4 मील आकाश में ऊंचे गए। उन्होंने ये लिखा कि वहां की हवा में इतनी अधिक ठंड थी कि शीशे की स्याही भी, कांच के ऊपर जो स्याही होती है ना, वो भी उसमें सूख गई थी अंदर की। और अपने साथ जो वे पक्षी ले गए थे उन्होंने उनको वहां हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ नहीं पाए। कुछ दूरी के पश्चात वह एक पत्थर की तरह नीचे गिर गए और फिर पंख फड़फड़ाने लगे, लेकिन वह उड़ ही नहीं पाए। उन्होंने मतलब वो लोग कुछ पक्षी ले गए थे कि वहां वो पक्षी उड़ सकते कि नहीं, क्योंकि तब तो इतना साइंस इतना आगे बढ़ा भी नहीं होगा ना, तब की बात है ये। आओ, वहां इतनी अधिक घनी होती है हवा, हवा घन स्वरूप है, घन स्वरूप मतलब आप कोई भी चीज उसमें आप चला ही ना पाओ, वो स्टेबल ही रह जाए, तो फेफड़ों में भी वो संग्रहित नहीं की जा सकती, क्योंकि फेफड़े में भी हवा को घूमना पड़ेगा, जाम हवा तो वहां भी नहीं चलती है। इसके लिए जैन शास्त्र में जो बात कही है कि बाहरी अंतरिक्ष में घन वायु होती है, तो घन वायु बाहरी अंतरिक्ष में है, तो वहां अगर हम, आपको ये पता है कि अंतरिक्ष यात्री अगर वहां बिना ऑक्सीजन गए तो क्या वो जी पाएंगे? नहीं। पानी के अंदर आप बिना ऑक्सीजन गए आप जी पाओगे? नहीं। तो दोनों जगह घन वायु है। हाँ। और हम जहां सांस ले रहे हैं वहां तन वायु है, पतली वायु है। और वो वायु जैसे ही आप सांस लोगे तो बाहर भी निकलेगी, लोगे निकलेगी, 1 मिनट में कितनी बार, 90 बार, कितनी बार, 90 बार, 1 मिनट में 90 बार आपके फेफड़े सांस लेते हैं, फूलता है बंद होता है, फूलता है बंद होता है, फूलता है बंद होता है। तो वो पतला वायु हो तो ही, अगर घन वायु हो तो बिल्कुल मूवमेंट होगी उसकी नहीं होगी, बस बहुत सिंपल लॉजिक। तो हम जहां रह रहे हैं वहां पतली वायु है,
इसलिए वहाँ पे मूवमेंट है, हम सांस ले सकते हैं, ये ऑक्सीजन सांस लेने के काबिल है। जो अंतरिक्ष में है वो घन वायु है, वो घन वायु के कारण वहाँ आप ब्रीदिंग ही नहीं कर सकते, वहाँ कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, प्राणी नहीं मिलेगा आपको, कोई जीव नहीं मिलेगा। और जैसे ही पानी में जाओगे, पानी का वायु है वो घन वायु, वो भी घन वायु है, लेकिन वहाँ बिल्कुल घन वायु नहीं है, वहाँ कोई कोई जीव, जैसे कोई कोई जीव पानी के जीव वहाँ जिंदा रह सकते हैं, तो आकाश की घन वायु में भी कोई कोई जीव तो होगा ना कि जो वहाँ जी पाए, होगा ही। जैसे हम एलियन बोलते हैं, जैसे और कोई प्राणी बोलते हैं ऊपर, जैसे कि देवो, हमारे तो भगवान ने बोला है कि ग्रह के एक 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 ग्रह के कितने 4000 घोड़े, 4000 घोड़े जो उत्तर दिशा में वो ग्रह को रथ खींचने वाले, 4000 हाथी वो पूर्व दिशा में खींचने वाले, 4000 अश्व और 4000 घोड़े हाथी अश्व और चौथे कौन है, 4 है बैल, बैल बड़द, वो चारों वृषभ, जिसको आप वृषभ बोलोगे, चारों दिशा में 4000 ऐसे हैं, वो देवी है, तो उनको किसी भी अपने जैसा शरीर होगा नहीं, तो उनको तन घन वायु चलता है। अब समझ में आया आपको कि देव कोई भी वातावरण कोई भी वायु में जा सकते हैं? हाँ। अब ये क्लियर हुआ? हाँ। उनको ऐसी कोई, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है, वो शरीरधारी नहीं, और उनकी मृत्यु भी निश्चित है, उनको जितने साल जीना है वो कंपलसरी जीना है, तो उनके शरीर को उनकी श्वासोच्छ्वास की क्रिया ही नहीं हो रही है, तो फिर उनको कोई भी पतले वायु हो जाड़े वायु, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो ये क्लियर हो गया कि जहां देव रहते हैं वहां हम लोग जाके नहीं रह सकते, क्योंकि हमें श्वास के लिए पतला वायु चाहिए। क्लियर हो गया? तो जहां देव आकाश में है तो क्या हम लोग आकाश में रह पाएंगे? नहीं, नहीं। अगर देव पानी के अंदर जा सकता है तो क्या हम लोग पानी के अंदर रह पाएंगे? नहीं। तो आप पृथ्वी कहाँ है? ना आकाश में ना पानी में। बोलो कितना कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है, बताओ। हवा हवा के कारण एकदम क्लियर। चलो अब आगे मैं पढ़ूंगी। ये हवा इतनी अधिक घनी होती है, जो हवा में है वो आकाश में फेफड़ों में संग्रहित नहीं की जा सकती, मतलब कि आपके फेफड़े खुलबन नहीं हो पाएंगे। तो इन इन इसके ये सारी बातों के कारण शास्त्र में कही बात कि बाहरी अंतरिक्ष में घन वायु है, तो ये बात साबित हो जाती है। आओ, घनोदधि 40,000 फुट ऊपर है। अब घनोदधि की बात की है, दिनांक 29/9/1921 को अमरीकी पायलट जेके मोक्रेडी 40,800 फुट तक पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था वो? 40,800 फुट तक पहुंचा था। उसके बताए अनुसार इस स्थान पर हवा भारी है, यहाँ बादल स्थिर है और आगे बढ़ने पे बर्फ और जैसा कठोर पानी भी आता है। इस पर कितना भी भार रखा जाए वो स्थिर ही रहता है। इस वर्णन से जैन शास्त्रों की घनोदधि अपने आप सिद्ध हो जाती है। आओ आगे। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी से सूर्य 12 लाख गुना बड़ा। देखो आओ, ये बात वापस आई, पृथ्वी से सूर्य कितना? 12 लाख गुना। आप समझ सकते हो, 12 लाख गुना अगर कोई चीज बड़ी होगी, ये राई के दाने की पृथ्वी और बड़ा सा एक, आप क्या कहोगे उसको, बड़ा सा गोल गोला, उतना सूर्य, तो पृथ्वी पे तो कभी भी अंधेरा पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ना हो, रात में भी सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? देगा। 12 गुना बड़ा अगर कोई लाइट जल रही है, 12 गुनी बड़ी, हमसे 12 गुनी बड़ी, ये मेरा मकान है जो घर है, और 12 गुनी बड़ी, उससे भी 12 गुनी बड़ी, आप सोच सकते हो, हमारे बिल्डिंग से 12 गुनी बड़ी साइज में अगर कोई लाइट जल रही हो तो आपको कभी भी अंधेरा दिखेगा? 12 घंटे भी अंधेरा मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो पहले तो ये नाप ही गलत हो गया। समझ में आया? अब क्या होगा पता है? 12 गुना आपका बड़ा, 12 लाख गुना आपका बिल्डिंग, और इतना छोटा सा बल्ब। अब उल्टा करो, उसको उल्टा करो,
12 लाख गुना मकान हो और छोटा सा बल्ब हो तो मकान के कौन से एरिया में से वो लाइट दिखेगी? सब एरिया से दिखेगी। सब एरिया से? बल्ब 12 गुना बड़ा है ना? 12 गुना बड़ा है बल्ब? नहीं, उल्टा बोली मैं, मकान 12 गुना बड़ा है, बल्ब इतना छोटा है, 12 लाख गुना छोटा। तो नहीं दिखेगी। तो जो जगह सीधी उसके सामने आएगी वहीं से दिखेगी ना बिल्डिंग? हाँ। थोड़ा भी क्रॉस होगा तो आपको वो लाइट दिखेगी? नहीं। जैसे 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 बिल्डिंग ऐसे लंबा होता जाएगा, इतना लंबा और इतना छोटा सा बल्ब सामने है, तो जितना इन लोगों को प्रकाश आएगा उतना यहाँ वाले को आएगा? नहीं। यहाँ वाले को आएगा? नहीं। तो अब समझ लो, पृथ्वी बड़ी है या सूर्य बड़ा है? है ना, तो 12 लाख गुना सूर्य बड़ा है, आप उसको उल्टा कर लो, 12 लाख गुनी पृथ्वी बड़ी है डेफिनेटली। साइंटिस्ट बनी गया छे, साइंटिस्ट वाला आपड़ी वात सांभळे तो सारू, थोड़ी बुद्धि आए। चाइना हलावी आवानो। थसे थसे, पहला हूँ एक टीम बनावीश, पछी टीम ने लेई जईश। આપણે આખી ટીમ બની લડવા જશું શું? યસ, આવો, ભગવાનની વાતને પ્રતિષ્ઠિત કરવા તો જવાનું જવાનું જ છે, પણ આપણે આટલું સિદ્ધ કરી રહ્યા છીએ ને એ આપણા નસીબ છે એમ કહી દેજે, બસ સમજી લેજે। હા બરાબર। હા તો આવો, બરાબર। આ પૃથ્વી કી અપેક્ષા સૂર્ય બહોત છોટા હૈ, હકીકત યે હૈ કે આપણે યે દેખ લિયા ના કે પૃથ્વી સૂર્ય બહોત છોટા હૈ, સૂર્ય બહોત છોટા હૈ। और सूर्य अब देखो, यही इसी पे ध्यान दो, देखो ये पृथ्वी इतनी बड़ी है 12 लाख गुनी बड़ी, और सूर्य अब यहाँ होगा तो यहाँ वाले को ही दिखेगा, ध्यान देना मेरी, आज दिख रहा है ना आपको? हाँ। यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ वाले को दिखेगा, अब सूर्य आगे गया तो आगे वाले को दिखेगा, सूर्य थोड़ा आगे गया तो उसके सामने वाले को दिखेगा, थोड़ा आगे गया तो अब यहाँ को दिखना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उंगली के पास? फिर थोड़ा और आगे गया तो और जगह से बंद, फिर और आगे गया तो और जगह से बंद, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। हाँ, तो पृथ्वी जमीन पे है और सूर्य घूम रहा है, कहीं पे गलती है अभी? नहीं नहीं। कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है देख लो, लॉजिकली प्रूव्ड। यस, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सूर्य का प्रकाश जितनी पृथ्वी पर पड़ेगा वहीं पे ही धूप मिलेगी, तो सूर्य घूमेगा धूप और छाव करता जाएगा, सूर्योदय सूर्यास्त करता जाएगा, ठीक है, तो ये कंफर्म। जो स्थान पे एक सुबह कहीं जहाँ पे सूर्योदय हुआ वहाँ सुबह, जहाँ पे ज़्यादा धूप हो गई पीछे उसके पीछे थोड़े वहाँ ज़्यादा धूप दोपहर, और जहाँ जो जगह उसने छोड़ दी वो जगह पे संध्या सूर्यास्त हो गया। अब क्लियर हो गया कि पृथ्वी बिल्कुल 12 लाख गुनी बड़ी, सूर्य बिल्कुल छोटा, पृथ्वी नीचे जमीन पे, सूर्य घूम रहा है और घूमते 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 जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पे दोपहर है, उसके आगे के भाग में सूर्योदय है और पीछे के भाग में सूर्यास्त। क्लियर हो रहा है ना? बस हाँ। बस बहुत अच्छा हो गया, चलो आज का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ है ना। देखो यहाँ पे बताया भी है, पिक्चर देखो, देख लो, चाहे उनका ही पिक्चर है लेकिन हम उसको समझेंगे, आओ बहुत अच्छे से समझेंगे, आओ। अगर ये पृथ्वी है 12 लाख गुनी गोल में है, ऐसे गोल में सूर्य 12 लाख बड़ा हो और पृथ्वी कितनी 12 लाख गुनी छोटी, तो पहले तो ये पिक्चर ही गलत है, समझ में आ गया? ये लोग बोलने के बाद भी पिक्चर नहीं बता सकते उतना, समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से एक तारे को पकड़ लो, खाली मान लो कि ये सूर्य है और ये तारा है, इनके हिसाब से ये सूर्य है, उसके बाजू में ये तारा है, जैसे ये सूर्य ये तारा है, ये सूर्य ये तारा है। अब ये आप कल्पना कर सकते हो कि अगर ये सूर्य ये तारा है तो ये तारा की जगह पे कभी भी कहीं भी अंधेरा ही नहीं होगा, कर सकते हो ना? हाँ। और अब ये जमीन पे पृथ्वी, मान लो कि ये भाग जमीन पे है,
ये नीचे जमीन है बराबर पृथ्वी इस आकार में है, जम्बू द्वीप जो हमने बोला है ना, मध्य से 1000 योजन ऊंचा और किनारे पे बिल्कुल छोटा पतला उल्टा रखा तवा दिख रहा है ये सफेद भाग आपको, हाँ। है ना। और सूर्य ऊपर ऐसे आएगा तो अब यहां से निकला तो यहां सूर्योदय और यहां दोपहर और यहां सूर्यास्त। अब धीरे धीरे सूर्य यहां से आगे इधर आ गया तो यहां दोपहर हो गई, धीरे धीरे और आगे जाएगा तो यहां दोपहर हो जाएगी। बराबर, बिल्कुल क्लियर है जो आज हो रहा है। और आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे अक्षांश पहले कलकत्ता में पहले आता है, क्योंकि कलकत्ता 81 डिग्री माइनस पे है ईस्ट में, उसके बाद बंबई आएगा तो वो 79 है तो 81 से वो कम हो गया, तो बाद में उससे पहले बंबई आएगा 73 पे बंबई आएगा तो वो 81 से कम हो गया, तो उसके बाद पहले पहले सूर्योदय होगा कलकत्ता में, उसके बाद होगा बंबई में, अब बंबई से और गुजरात जाएगा तो वो और कम हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो पहले होगा बंबई में सूर्योदय, उसके बाद होगा अहमदाबाद में सूर्योदय, तो बराबर हो गया ना आपका। यही पृथ्वी ऐसी है, तभी तो पहले कलकत्ता, पहले जापान, फिर कलकत्ता, फिर बंबई, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, ऐसे ही जाता है ना पूरा, राइट, ईस्ट टू वेस्ट ही तो जाता है। और सूर्योदय सूर्यास्त भी तो ईस्ट टू वेस्ट ही हो रहा है। बस क्लियर हो गया अभी आपको। अब आगे टॉपिक है सूर्य सिकुड़ता जा रहा है। देखो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं उसको हम देखेंगे। साइंस ने जो कहा है ये बात, अगर उनको कुछ चीज दिख रही है तो वो हमारे आगम के अनुसार भी साबित होनी ही चाहिए। अगर ये बात हमारे आगम में साबित हो रही है तो हमारे लिए आगम को सच मानना बहुत इजी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सूर्य सिकुड़ता जा रहा है। आज के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि सूर्य प्रतिवर्ष 20 वर्ष में लगभग 1 माइल जितना छोटा हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और ये कथन मात्र एक, इनको लग रहा है कि ये कल्पना है। सूर्य अनंत काल से है और अनंत काल तक ये रोशनी देता रहेगा। सूर्य यदि वास्तव में सिकुड़ता जा रहा है तो उसका कभी नाश हो भी सकता है, ये संभव नहीं। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी से सूर्य बड़ा है, पृथ्वी गोल नहीं है। देखो यहाँ पे एक बात पे ध्यान दो, एक बात पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो हमारा ज्योतिष चक्र है ना, परमात्मा ने क्या बोला है ये मैं बताऊं। जो हमारा ये जो ज्योतिष चक्र है ना, आपको दिख रहा है मैं ये जो बता रही हूँ हाथ से, हाँ आओ, ये जो है ना, ये आज अगर ये पहले पहले आर्य में, सबसे पहले आर्य में हमारा जो पहला आर्य होता है, तब अगर ये देखिए इतना ऊंचा ऊंचाई पे था, आपको ये ऊंचाई ध्यान में आ रही है इतनी, हाँ ये ऊंचाई, ये ऊंचाई पहले आर्य में तब के जो शरीर थे, तब के जो लोगों के युगलिकों के शरीर थे उनके हिसाब से 790 योजन ऊंचाई, क्योंकि हर एक ऊंचाई वेद से मापी जाती है। ऐसे दो हाथ ऐसे खड़ा करके, चौड़ा करके खड़ा रहो ना, जो हमारे हिसाब से ये 2 बार होगा। आपको पता है गज कैसे मापा जाता है? कपड़े हाथ में लेके ऐसे मापा जाता है, तो 2 हाथ चौड़ा करके खड़ा रहो ना, उसको एक धनुष बोला जाता है। कितना? एक धनुष। जैसे 2 हाथ आपने ऐसे चौड़े कर लिए, तो 3 गांव की काया वाला हाथ चौड़ा करेगा तो कितना बड़ा होगा धनुष? बड़ा होगा ना, बड़ा होगा। अब 500 धनुष की काया वाला हाथ चौड़ा करेगा तो बड़ा अपने आप छोटा हो जाएगा 3 गांव से। हाँ। 3 गांव मतलब 1500 धनुष। तो उसका जो धनुष का योजन का माप है, वो योजन तो 790 ही रहेगा, लेकिन 500 धनुष वाला करेगा तो 3 गुना कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। पर कहा कितना जाएगा वो, उसका तो 790 है ही, उसके नाप का तो 790 है ही। उसके बाद हुए आज हम 5 फुट के,
5 फुट वाले का 790 उतना उतना होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा तो आप समझ लो ये 3 गाँव वाला है। फिर 500 धनुष वाला आया तो इससे 3 गुना कम हो गया। हाँ। मतलब सूर्य का घूमना है, मंडल नीचे उतर रहे हैं। हाँ, अब उसके बाद अभी इतना छोटा हो गया। आज देखो कितनी ऊंचाई रह गई, बहुत कम। पहले इतनी थी, अब इतनी रह गई। तो सूर्य हमारे पृथ्वी के नजदीक आ गए। हाँ। अब ये नजदीक आए तो वो छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा? नजदीक आने से छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा? कोई भी चीज दूर है और नजदीक आएगी तो कैसा होगा, छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा? दूर आएगी, नजदीक होगी तो बड़ा। हाँ, सूर्य बड़ा दिखना चाहिए ना, छोटा नहीं ना। नहीं। अब एक ध्यान दो, अगर वो बड़ा दिखता पहले जितना ही होता तो उसका प्रकाश भी तेज हो जाता, बिल्कुल आग जैसा, वही आग डबल आग करती। हाँ। तो यहाँ आपको ये समझना है वो कहीं ना कहीं छोटी हुई है, तभी उतनी जैसी गर्मी नहीं है ना। गर्मी कभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं। तब भी जो गर्मी पड़ती होगी, अब ध्यान दो इतनी ऊंचाई पे होंगे तब भी गर्मी तो उतनी ही होगी जहाँ हम लोग सांस ले पाए। हाँ। फिर इतना हुआ तब भी इतनी गर्मी होगी कि हम लोग जिंदा रह पाए। बढ़ेगी ना? नहीं बढ़ेगी, बस गर्मी तभी बढ़ेगी जब सूर्य उतना ही बड़ा रहेगा। हाँ, होता जा रहा है। अब ये सोचो 108 दीवा की आरती करते हो, कितनी दूर तक आग लगती है? पांच दिए की करोगे तो थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ। और एक दिए की करोगे छोटे तो बोलो, अब क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं है, बहुत आया, पूरा आ गया आज मेरा, भूल से दो खा लिया। बड़ा, मीडियम, छोटा। तो जितना वो नीचे उतर रहा है ना उसकी साइज भी घट रही है। मांडला सिकुड़ेगा, यहाँ से सिकुड़ेगा, ये ऊपर से नीचे उतरेगा, बिंब की साइज छोटी होगी, तभी पहले जैसा प्रकाश आज भी रहेगा। समझ रहे हो बात? हाँ। नहीं तो नहीं रह पाएगा। और आग तो तुरंत बढ़ जाएगी, हम लोग नीचे जमीन पे कोई नहीं रह सकता था। बोलो क्या समझ में आया? सूर्य छोटा होता जा रहा है, सूर्य छोटा होता जा रहा है और नीचे भी उतरता जा रहा है, तभी हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर आज साइंस कह रहा है कि वो छोटा होता जा रहा है तो हमारी परमात्मा की बात से तो ये 100% साबित हो रहा है। और उतना तो छोटा उसको होना ही नहीं। अब वापस यहाँ तक, अब तो कहाँ कितना साल, 42,000 ये बाकी है, उसके बाद वापस ये धीरे धीरे ऊपर चलेगा। हाँ। फिर वापस वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर, अब देखो द्रव्य गिनो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों साथ में घटेंगे। अगर पुद्गल द्रव्य घट रहा है, शरीर 5-3 गांव से 500 धनुष 5 फुट 1.5 फुट तक होगा, पृथ्वी 500 सवा, मतलब भरत क्षेत्र खुद 125 योजन आज है क्या? नहीं है। तो वो भी घटी, वो भी छोटी हुई, जरेनी की जगह छोटी हुई, तो सूर्य और उसके मंडल भी स्क्वीज हुए कि नहीं हुए? तो वो अपने आप अभी स्क्वीज हुए तो कल बड़े होंगे कि नहीं? खत्म होने की क्या जरूरत है? हम लोग भी 1.5 फुट से वापस 3 गांव तक जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। तो फिर सूर्य भी आज छोटा हुआ कल बड़ा हो जाएगा। तो जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों साथ में घटता है, देखो ये बात यहाँ साबित हो रही, बराबर? बिंब वो एक द्रव्य है और उसका एरिया वो एक क्षेत्र है। सूर्य का बिंब का क्षेत्र घटना, एरिया घटना, मतलब बिंब छोटा हुआ, बराबर? बिंब छोटा हुआ तो जीव भी कम होंगे उसमें। हाँ। तो जीव द्रव्य भी उसमें कम लगेंगे अभी पहले से। हाँ। क्षेत्र भी छोटा हुआ, काल छोटा हो गया, पहले जो उसकी स्थिति थी पहले, अभी तो और गर्मी बढ़ा रहा है, और गर्मी बढ़ा रहा है। आप 60 डिग्री तक आ गए, आगे पता नहीं कैसी होगी, छठारा कैसा होगा। पहले तो कल्प वृक्ष थे, आज तो जो वृक्ष है वो भी नहीं जी पाएंगे, पता है? उसकी उसकी गर्मी बढ़ने के उसके भाव घटे तभी ना। हाँ।
उसके भाव घटे तभी ना। हाँ। भाव पहले जैसे हैं नहीं, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, बुरे भाव ज्यादा आ जाएंगे उसके बीच में रहे जीवों में, मिथ्यात्व ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो हमें परेशान करेंगे। पहले परेशान नहीं करते थे, पहले पुष्टि मिलती थी शरीर को, अब क्या होगा, रोग बढ़ेंगे उसके प्रकाश से, रोग बढ़ेंगे। पहले के समय में लोग जमीन पे रहते थे, अब तो हम जमीन के अंदर घुस के जिएंगे छठे आरे में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सहन नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है बात, सब क्या हो रही है, किसके कारण हो रही है, छठा आरा किसके कारण आएगा बताओ? द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, सूर्य बिंब और ग्रहों के बिंब के बदलेंगे, उसी लिए ना। हाँ। पृथ्वी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्यों बदले, ग्रह के बदले, इसीलिए ना। हाँ। और खाली ये किनारे के ही बदले ना, पांच भरत पांच इरावत, बीच के किसी के भी बदले महाविदे के नहीं बदले, नहीं किसी के नहीं, महाविदे क्या हमारे आगे के लघु हिमवान हिमवान के भी नहीं बदले। हाँ, वहाँ कहीं नहीं बदले, वहाँ भी सदा काल तीसरा आ रहा है, हिम्मत क्षेत्र में भी खाली भरत इरावत, खाली भरत इरावत क्यों, ग्रह उधर से ही घूम रहे, दोनों ग्रह खाली भरत ऐरावत के ऊपर ही घूम रहे। अब समझ में आ रहा है ये बदलने का कारण कौन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर किसके कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल रहे हैं, ग्रहों के कारण, ग्रहों की प्रकाश नीचे उतरने के कारण, अधिक बढ़ने के कारण, सिंपल लॉजिक, ग्रह मंडल उतर रहा है नीचे, यहां से यहां तक पहुंच गया तो उसके रेज हमारे लिए बुरे आ गए ना। अभी देखो देखो यहां से तो ओजोन वायु ज्यादा था, अब ध्यान दो ये भी ये साइंटिफिक बात है, ऊपर थे उतना वायुमंडल ज्यादा था, अब नीचे उतरेगा तो वायुमंडल खत्म खत्म, फिर आप क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं बस। तो ये वायुमंडल खत्म, ओजोन वायु खत्म होने में जिम्मेदार कौन, द्रव्य क्षेत्र, सारे ग्रहों के बिंब, उसके द्रव्य, उसके बिंब के द्रव्य, बिंब का क्षेत्र, बिंब का काल, बिंब के जीवों का भाव, ग्रहों के बिंबों का की असर जमीन में भरत और ऐरावत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर हो रही है, समझो। जो ग्रह के जो जीव है ना, उनके भाव बिगड़े तो उन्होंने किसके बिगाड़े, हमारे भरत क्षेत्र के जीवों के भाव बिगाड़ दिए, वो जीवों के शरीर बदले, गर्मी बढ़ गई, उनके उनके क्षेत्र काल और भाव में बिगाड़ आया, तो उसने हमारे यहाँ लोगों की अवगाहना घटा दी, उसकी अवगाहना घटी तो हमारी भी घटा दी, उसके बिंब का क्षेत्र छोटा हो गया तो भरत क्षेत्र को भी उसने छोटा कर दिया, ध्यान दो, किया कि नहीं, ज्यादा दरिया अंदर आ गया, अब लोग कहां जाएंगे भाई, पानी की सृष्टि कहां जाएगी, धीरे धीरे ऐसी सृष्टि होगी भरत क्षेत्र में, ऊपर तो कोई जी नहीं पाएगा, इसकी तेज धूप, दिन में तेज धूप और रात में ठंडी बर्फ का गिरना, ऐसी दिन रात होंगे, उसको तो कोई जीव सहन ही नहीं कर पाएगा, पता, खाली पानी में कछुए और मछली मिलेगी और कोई नहीं। तो समझने की क्या बात हुई पता है, पानी वाले जीव बचेंगे लेकिन जमीन पे चलने वाले, तो किसके कारण, ग्रहों के बिंब के द्रव्य क्षेत्र काल भाव बुरे होने के कारण, उनका 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 द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिगड़ा तो उसने हमारा बिगड़ा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ग्रह मंडल ऊपर चढ़ेगा तो सुधरेगा, उनके बिंब में बढ़ोतरी होगी, द्रव्य में बड़ा बढ़त, क्षेत्र में बढ़त, मतलब बिंब थोड़ा बड़ा हुआ जैसे ही ऊपर जा रहा है वो बड़ा हो रहा है, काल में बढ़त और भाव में बढ़त, भाव में क्या बढ़त, थोड़ी सौम्यता आएगी, जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी कम होगी, अपने आप वो ओजोन वायु जनरेट होगा और वो होगा तो हमारे नीचे भी शरीर में अच्छाई होगी, जमीन वापस
वृक्ष उगने की काबिल होगी, उसके क्षेत्र में फर्क आ गया तो हमारे भरत के क्षेत्र में भी फर्क आएगा ना, ऐरावत भरत के क्षेत्र में भी। वो अगर उनका उनके भाव अच्छे हो रहे हैं तो उसकी असर से हमारा क्षेत्र अच्छा होगा कि नहीं होगा, हमारे भाव अच्छे होंगे कि नहीं होंगे होंगे। बस बहुत सिंपल लॉजिक, सिर्फ इनके घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं ऐसा नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब बदलता है धीरे 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 धीरे। ग्रह ऊपर चढ़ के घूमने लगेंगे, पहला आरा आ जाएगा तीन गांव की काया वाला, फिर से वो नीचे उतरेंगे। इनका तो काम ही है ऊपर नीचे चढ़ना, खाली ऊपर नीचे नहीं, हर तरह से अपने आप को भी संकुचित करना, अपने आप को भी खराब करना। समझ में आ रहा है? हाँ। तो पहले के सूर्य की बीम और आज के सूर्य का बीम अधिक खराब है या अच्छा है? अभी तो खराब है। और खराब होगा, समझ में आया ना? अभी धीरे धीरे हाँ। और नीचे उतरेगा और खराब होता जाएगा, और नीचे उतरेगा और वो भी खराब, बीम खराब होगा, इसीलिए जमीन पे असर खराब होगी। फिर चढ़ता जाएगा तो अच्छा होता जाएगा, वातावरण अच्छा, वायु अच्छी, और ऊपर चढ़ेगा वातावरण और अच्छा, और ऊपर चढ़ेगा हम सारी काया अच्छी, कल्प वृक्ष आना, सब बारिश अच्छी, सब अच्छा। ओके यस यस आओ। तो ये अगर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये सूर्य सिकुड़ता जा रहा है तो हाँ, उसमें हमको मना नहीं करना है। ये तो सूर्य का सिकुड़ना ही हमारे शास्त्र पाठ में संगत हो रहा है, सुसंगत हो रहा है, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के फर्क में, उत्सर्पिणी में वो बढ़ेगा और अवसर्पिणी में वो जरूर घटेगा। बराबर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके घटेंगे, पृथ्वी पे जो जो चीज है सबके द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटे, हमारे भी घटेंगे, उनके भी। हमारे काल में कैसा घटतपन आया पता है? द्रव्य तो घटा ही, पुद्गल द्रव्य छोटा हो गया, क्षेत्र भी घटा, भरत क्षेत्र रहने की जगह ही छोटी हो गई। काल कैसा घटा आप ये ध्यान दो, काल में कितना बड़ा प्रभाव आया है। ऐसा काल आया है कि कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ। ऐसा काल आ गया है कोई मोक्ष ही नहीं जा सकता है। भरत क्षेत्र में से कोई मोक्ष ही ना जा पाए, इसको ये काल क्या अच्छा होगा? नहीं नहीं। और भाव भी कैसे, मोक्ष जाने के लिए काबिल भाव ही नहीं आएंगे, तो भाव भी तो घटेगा ना, तभी तो आप मोक्ष नहीं जा पाओगे। ठीक है। बस तो सूर्य सिकुड़ता जा रहा है, ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। उसका नाश नहीं हो सकता, नाश तो होना ही नहीं है। वास्तव में सिकुड़ता तो जा रहा है लेकिन उसका कभी नाश हो सकता है ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिकुड़ना फिर बड़ा होना, सिकुड़ना फिर बड़ा होना। ठीक है। हाँ यस बरोबर। आओ आगे। बीच समुद्र में पृथ्वी गोल दिखाई देती है। आओ अब इस चीज में आओ, हम बीच समुद्र में होंगे तो चारों तरफ आप नजर घुमाओगे तो पृथ्वी दिखाई देती है, लेकिन कैसी? मैंने आपको ये पहले भी बोला है, तंबू के आकार में चारों तरफ से जमीन नीचे उतरती हुई दिखाई देगी। हाँ या ना? हाँ। तो आप ऐसे खड़े हो जैसे छाते के अंदर खड़े हो, छाता थोड़ा और नीचे उतार दो, आपको चारों तरफ छाते का कपड़ा दिख रहा है कि नहीं? तंबू में खड़े रहो, चारों तरफ आप तंबू ऐसे ही गड़ा है, आप दरवाजा खोल के अंदर चले जाओ सोने के लिए, अब आपको चारों तरफ तंबू के अलावा कुछ दिखाई देगा? नहीं, नहीं। तो बिल्कुल तंबू के जैसी जमीन है, पृथ्वी है, तभी आप यहीं पे खड़े रहोगे। आकाश भी ऐसे ही उतर रहा है, आकाश भी ऐसे ही उतर रहा है, तो आपको कहीं से भी देखो, आप जमीन पे यहां खड़े रहोगे तो आकाश कैसा दिखेगा? सब जगह आकाश ही दिखेगा ना चारों तरफ। उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। बराबर। इसलिए वे गेंद जैसी गोल नहीं है लेकिन उल्टा पड़ा तवा है। कैसी है वो? उल्टा तवा या तंबू जैसी या उल्टे पड़े तवे जैसी। आपको ये सारे उदाहरण देने, उसको मैं तो बोलूंगी आधी नारंगी उल्टी रखी हुई। बोलो सच में, आप आधी नारंगी को चेक करो, ध्यान दो,
एक मिनट मैं हो तो मैं लेके आऊं, एक मिनट हाँ, एक मिनट रुको। सबको दिख रही है? नहीं, मेरे हाथ में नहीं दिख रही है ना, कैमरा में नहीं आई वो। हाँ उभर उभर हवे। हाँ आई, हवे दिख रही। बस बस हाँ। ऐसे आधी नारंगी को आपको ऐसे उल्टी रखनी है ऐसे ही। अब आप यहाँ देखोगे जो बीच वाला भाग है ना, जो बिल्कुल बड़ा होता है एग्जिट बीच वाला, हाँ। बीच की चीरी आपको बड़ी मिलेगी, और जो कोने की चीरी है ना वो बिल्कुल दोनों छोटी छोटी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी हाँ। बीच की बड़ी मिलेगी हाँ। कोने हाँ। की छोटी, उसके बड़ी के बाद उसके बाजू वाली और थोड़ी छोटी हाँ। लास्ट वाली और छोटी। अब ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान देना। किनारे का भरत क्षेत्र है 526 योजन, भरत ऐरावत दोनों हाँ, हाँ. ये छोटा हो गया, और आगे जाओ तो उससे डबल एरिया हाँ. क्योंकि चिड़ी की साइज डबल हो गई हाँ. उसके बाद आओ तो ये तीनों मिलके 33,000 योजन, यहाँ 33,000, यहाँ 33,000 की, और बराबर बीच का एक चीरा है वो 33,000। बोलो नारंगी हुई कि नहीं हुई? हुई हुई। महावीरे 33,000, खाली महावीरे अकेला, और नीचे हाँ. के तीन एरिया मिलके 33,000, यहाँ का तीन एरिया मिलके 33,000 हाँ। तो छोटी नारंगी है ना अभी जम्बूद्वीप, आधी नारंगी उल्टी हाँ। रखी हुई है कि नहीं है? है, है, है। तभी तो ये दोनों एरिया पतला है, उसके बाद वाला उससे बड़ा, उसके बाद वाला उससे बड़ा, और बीच वाला महा महाविदे जिसका शरीर सबसे बड़ा है। बराबर कभी पृथ्वी को हम ऐसा समझेंगे, सपाट नहीं, परमात्मा के कहे हिसाब से पृथ्वी बिल्कुल ऐसी। ओके यस आओ। आज का टॉपिक सच में मजा आ गया, मुद्दा बहुत अच्छा था, है ना? अब उसके बाद है बीच समुद्र में से गोल, वो तो पता चल गया ना आप। अब यहाँ आप बीच समुद्र में से ये पृथ्वी को देखोगे तो आपको ऐसी ही दिखाई देगी कि नहीं, बताओ? आपको हर जगह से पृथ्वी के से पृथ्वी हर जगह पानी मिलेगा ना, आप यहाँ से खड़े होके देखोगे तो सब जगह पानी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा हाँ। आप जितने जितने ऊपर चढ़ोगे उतना आपको और पानी दिखेगा, दूर तक दिखेगा, लेकिन दिखेगा तो पानी ही ना सब जगह से तो हाँ। बस आओ तो पृथ्वी ऐसे थाली जैसे गोल नहीं, आपको यहाँ हमारे आगम से बने हुए बहुत सारे पुस्तक में थाली जैसा गोल शब्द आएगा, लेकिन आपको उसको थाली जैसा गोल तो गोल जानना है, थाली जैसा गोल लेकिन उपसा हुआ गोल। कैसा उपसा हुआ? उपसा हुआ, ये गोला ही थाली जैसी है, बराबर गोल लेकिन उल्टा पड़ा हुआ तवा। खास कमल की करणी का बोली है परमात्मा ने, मैंने आपको एक बार कमल की करणी का बीच वाली बताई थी, बराबर हाँ। तो कमल की करणी का में बराबर नीचे इतना इतना लंबा डट्टा होता है, डट्टा आप कैसे डाल दो स्टैंड इतना लंबा, और ऊपर करणी का तो नीचे इतना 1,000 योजन जो मेरु पर्वत डटा हुआ है ना डट्टे की तरह, वो कमल की करणी का बराबर बताता है।
बराबर। हाँ, तो हमें उसको बिल्कुल ऐसे जानना है कमल की कर्णिका, जो ऊपर भी इतना तंबू बताएगी, उसमें नीचे तो डट्टा रहेगा, नीचे 1000 योजन और ऊपर 1,00,000 योजन। अब ये कैसा कमल का अंदर का बीच वाला डट्टा हो सकता है, आप समझ सकते हो? ऊपर 1,00,000 योजन तक का पर्वत और जमीन के नीचे 1,000 योजन गड़ा हुआ, तो ऊपर ऐसा ढाल हुआ कि नहीं हुआ? और नीचे भी ऐसा लंबा सा डंडा डट्टा हुआ, हुआ ना? हाँ, आओ। तो अब कभी भी थाली जैसा सपाट या पृथ्वी शब्द हमारे आगम में नहीं है, आपको ये ध्यान देना है, पृथ्वी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आओ आगे आओ। दूसरी बात, आज तक किसी भी नाविक या पायलट ने ऐसा दावा नहीं किया है कि पृथ्वी को गेंद जैसी गोल उन्होंने देखा है, क्योंकि उनको तो सीधा सीधा रास्ता ही दिखता है ना। आज किसी भी पायलट को या बोट वाले को तो सीधा रास्ता दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा उनको। कभी हम लोग जैसे गाड़ी ढाल चढ़ते हैं कभी भी पहाड़ी पे, तो पहाड़ी का ढाल अलग होता है और फ्लैट रास्ता अलग होता है, दोनों अलग है बराबर। अगर पृथ्वी गेंद जैसी गोल होगी तो क्या सीधा रास्ता कहीं भी मिलना चाहिए? कहीं भी नहीं मिलना चाहिए, सीधी बात, चढ़ाव और ढला नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या सब घूमते हैं? अभी एक दूसरा मुद्दा, क्या सब घूमते हैं? आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। अब वो भी चंद्र पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लेकर घूम रहा है उनके हिसाब से? अगर चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण लेकर घूम सकता है, तो पृथ्वी वो जो खुद गुरुत्वाकर्षण बल वाली है वो सूर्य के पीछे कैसे घूम सकती है? क्लियर हो रहा है? यहां भी आप सोचो, चंद्रमा अगर पृथ्वी के ग्रेविटेशन को पकड़ के उसके आसपास घूम रहा है, तो पृथ्वी सूर्य के ग्रेविटेशन को पकड़ के कैसे घूमेगी, जबकि पृथ्वी के खुद में ग्रेविटेशन पावर है? फिर दोनों चीज रहनी ही नहीं चाहिए, कब की एक दूसरे से चिपक जानी चाहिए, बराबर? आओ, वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्र घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, यही बात आई। ये तो बिल्कुल कहीं एंगल से साबित ही नहीं हो रही। संपूर्ण सौर मंडल के किसी केंद्र के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाता है, इस प्रकार का कोई भी पिंड स्थिर नहीं है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही एक गुब्बारे की तरह फैलता है जो एक दिन फूट जाएगा। ये सब कल्पना है, कहां तक जाएगी भगवान जाने, लेकिन सत्य वही है जो पृथ्वी स्थिर है। अब यहां ध्यान दो, अगर आपने एक बड़ा गुब्बारा ले लिया, ब्रह्मांड गुब्बारे की तरह है और सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सब अंदर है, तो आप इतना इमेजिन करो कि एक बलून लो, बड़ा बलून, उसके अंदर 10 चीज डालो, बच्चों के थोड़े थोड़े 10 खिलौने डालो, डाल सकते हो ना आप? अब उसको गांठ मार दो और एक खिलौने के अंदर अगर कोई जीव बैठा है, छोटा सा भी जंतु या मकीड़ी या मंकोड़ा या वांदा अगर बैठा होगा एक खिलौने के अंदर, क्या वो अंदर जी पाएगा? क्यों? हवा नहीं। तो फिर पृथ्वी ऐसी हवा नहीं वो स्थान पे हो सकती है? नहीं। बोलो। चलो ठीक है, तो ये सारा बलून आकाश में होगा, हम पृथ्वी ये बलून के अंदर नहीं जानेंगे, उसको हम बलून से बाहर मानेंगे, बराबर ना? दीवारें समांतर होती है, समानांतर मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार समानांतर पे होती है। कैसे? पृथ्वी यदि गोल है और उसकी सतह पर दो दीवारें यदि समकोण पे निर्मित की जाए, समकोण पे, तो क्या होगा कि इन दीवारों की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसके शीर्ष भाग के बीच का अंतर भी बढ़ना चाहिए। किसी गोले पे समकोण पर दो लकड़ी अगर पट्टियों की तरह लगाकर उसको प्रयोग करके आप देख लो, वास्तविकता ये है कि पृथ्वी पर ये दीवारें अंत तक समानांतर रहती, इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल नहीं है, क्योंकि दीवारों को अगर आपको ऊपर से समानांतर करनी है तो नीचे से तो चढ़ान वाली करनी पड़ेगी ना,
नीचे से चढ़ती चढ़ती जाएगी और ऊपर सीधी रहेगी तो ही वो समान अंतर होगी ना दीवार। मगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप सीधी ही करते हो, आप सीधी ही दीवार करते हो। मकान की दीवारें सीधी ही बनती है। मकान की दीवारें क्या लंबा लंबा रोड या मकान हो तो क्या वो ऐसे टेढ़ी चढ़ती हुई बनती है क्या? ना ना, बराबर। और लास्ट, विमान की गति को आने में आने की आवश्यकता क्यों है? विमान को गति में क्यों लाते हो? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पृथ्वी अपनी धुरी पे 1100 मील प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ रही है, प्रति सेकंड, या मिनट क्यों लिखा नहीं मालूम, प्रति सेकंड से अगर वो 1100 माइल घूम रही है तो किसी भी विमान को आप ऊपर हेलीकॉप्टर को खड़ा कर दो, पृथ्वी अपने आप घूम जाएगी। आपको जापान से 24 घंटा फ्लाइट को उड़ाने की क्या जरूरत है अमेरिका तक? जरूरत है नहीं, नहीं। उसको आकाश में 30,000 फुट पर ऊंचा ले जाओ, खड़ा कर दो और 10 मिनट खड़ा रह के नीचे आएगा तो एक दूसरा स्टेशन आ जाएगा कि नहीं? और ये स्पीड में तो 10 मिनट में अमेरिका जाना चाहिए। अगर पृथ्वी इतनी स्पीड से घूम रही है तो अमेरिका कितनी देर में आना चाहिए? 10 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना पृथ्वी हवा में है ना घूम रही है, इसीलिए प्लेन को उड़ के वहां तक जाना पड़ता है, बराबर बराबर बराबर। चलो अभी मुझे लग रहा है 8:15 हो गया है, बंद करूं? हाँ, ठीक है। चलो अभी 89 से हम आगे जाएंगे। अभी तो कुछ ही पेज है, ज्यादा पेज नहीं है, पर अब तो आपको समझ में भी आ रहा है ना, तो सब फटाफट हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद जो बड़े बड़े हैं, गांधी जी ने क्या कहा, फिर हमारे जो गैलीलियो ने क्या कहा, अलग 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 वैज्ञानिक ने कौन से सिद्धांत बताए हैं, वो सारे सिद्धांत, मतलब आपको पूरा साइंटिफिक अलग अलग वैज्ञानिकों के बताए सिद्धांतों से भी आप ये साबित कर लोगे, बराबर बराबर। हाँ जी, चलो फिर जय जिनेन्द्र। अभी हम ये लेक्चर तो यहाँ बंद कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र।